हेलो एवरीवन, ग्राफ की सीरीज में आज हम लोग साइकिल डिडक्शन देखेंगे। और साइकिल डिडक्शन एक बहुत ही यूजफुल एल्गोरिथम है, और इस एल्गोरिथम को हम यूज करेंगे फॉर वेरियस पर्पजेस एंड फॉर सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स इन दी कॉम्पिटेटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म्स। तो आइए सबसे पहले साइकिल डिडक्शन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और एक एग्जाम्पल से। लेट्स से कि मेरे पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ में कनेक्शन इस तरह से हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 0। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आप 0 से अगर आप कोई टूर स्टार्ट करें तो उस टूर को आपको 0 पे ही फिनिश करेंगे। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि हमें एक साइकिल मिल रही है यहाँ पे। और इस साइकिल को हम कैसे डिराइव करें? अगर मान लीजिए कि हम एक डीएफएस कर रहे हैं और डीएफएस में आप 0 से 1 वर्टेक्स पे जाते हैं, 1 वर्टेक्स से 2 पे, 2 से 3 पे, और 3 से जब आप आगे की तरफ देखते हैं 0, तो 0 ऑलरेडी ट्रैवर्स था। तो अगर आप सेम चेन में डीएफएस रिकर्सिवली करते करते 0 पे वापस आ गए और 0 पहले से विजिटेड था, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक साइकिल है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे और रिकर्शन के थ्रू हम ये फाइंड करेंगे कि क्या इसमें साइकिल है या नहीं है। तो अब ये फाइंड करने के लिए कि इस ग्राफ में कोई साइकिल है कि नहीं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्टेटस वेक्टर है। जो स्टेटस वेक्टर हमें ये बताएगा कि कोई वर्टेक्स पहले से विजिटेड है या नहीं है। तो चूंकि यहाँ पे वर्टिसेस हैं 0, 1, 2, 3, तो हम कहेंगे कि इसमें सभी वर्टिसेस का जो स्टेटस है वो 0 है। इसके अलावा हम एक इसकी एडजेंसी लिस्ट बना लेते हैं। 0 से 1 कनेक्टेड है, 1 से 2 कनेक्टेड है, 2 से 3 कनेक्टेड है और 3 से 0 कनेक्टेड है। तो डीएफएस आइट्रेशन स्टार्ट करेगा 0 नंबर वर्टेक्स के साथ और रिकर्सिव फंक्शन में इसको भेजेगा, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप स्टेटस ऑफ 0 को मार्क कर देंगे, 1 विजिटेड मार्क करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक और एरे है जिसका नाम है इन रिकर्शन, और इन रिकर्शन का भी साइज उतना ही है जितने हमारे पास वर्टिसेस हैं, और इन रिकर्शन में हर प्लेस पे 0 है इनिशियली। जैसे आप 0 के साथ ट्रैवर्सल स्टार्ट करते हैं तो 0 को इन रिकर्शन में 1 कर दीजिए। 1 से 0 से कनेक्शन है 1 का जो कि अभी अनविजिटेड है, तो इसको मार्क कर दीजिए विजिटेड, और इन रिकर्शन में भी इस पोजिशन में 1 कर दीजिए। 1 से कनेक्शन है 2, 2 अभी अनमार्क है अनविजिटेड, तो इसको मार्क कर दीजिए विजिटेड, और चूंकि आप सेम चेन में हैं तो 2 पे इन रिकर्शन में भी 1 कर दीजिए। 2 से कनेक्शन है 3 का, सो 3 पे अनविजिटेड है, विजिट कर दीजिए इसको और 3 पोजीशन में इन रिकर्शन में 1 कर दीजिए क्योंकि आप सेम चेन में हैं। 3 से कनेक्शन है 0 का, लेकिन स्टेटस ऑफ 0 मार्क्ड है 1। चूंकि स्टेटस ऑफ 0 मार्क्ड है 1, इसका मतलब ये है कि या तो हम इस वर्टेक्स पे वापस आए हैं। तो देखिए, अगर इन रिकर्शन में 0 इंडेक्स पे 1 है तो इसका मतलब है कि हम इस 0 वर्टेक्स पे वापस आए हैं सेम चेन में। क्योंकि हम सेम चेन में इस पे वापस आए हैं तो हम यहाँ से ये रिटर्न करेंगे कि मुझे साइकिल मिल गई है, मैं एक ट्रू रिटर्न कर देता हूँ कॉलिंग फंक्शन को। तो ट्रू कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न करने का मतलब है कि 3 रिटर्न कर रहा है अपने कॉलिंग फंक्शन को ट्रू कि इसको साइकिल मिल गई है। 2 अपने कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न करेगा कि इसको साइकिल मिल गई। 1 अपने कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न करेगा कि इसको साइकिल मिल गई, और 0 अपने कॉलिंग को फंक्शन को रिटर्न करेगा कि इसको साइकिल मिल गई। तो चूंकि 0 को हमने डीएफएस आइटरेशन से कॉल किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने 0 से डीएफएस आइटरेशन वाले फंक्शन को ट्रू रिटर्न किया ये इंडिकेटर्स के साथ में कि यहाँ पे इसको साइकिल मिल गई है। तो यहाँ से हम एक चीज निकालते हैं कि हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, एक है डीएफएस आइटरेटिव और एक है डीएफएस रिकर्सिव। तो जो डीएफएस रिकर्सिव है वो चेन की बात कर रहा है कि किस चेन में आप हैं, और इन रिकर्शन वाला जो हमारा पार्ट है वो इसी डीएफएस रिकर्सिव वाले पार्ट में है। ओके, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि साइकिल कैसे डिटेक्ट हो रहा है, हम क्या रिटर्न करेंगे साइकिल डिडक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग, हम यहाँ पे ये रिटर्न करेंगे।
सो मान लेते हैं कि मेरे पास एक ग्राफ है, उस ग्राफ में जीरो से कनेक्टेड है वन, वन से कनेक्टेड है टू, एंड लेट से जीरो से कनेक्टेड है थ्री, एंड थ्री से कनेक्टेड है फोर, लेट से फोर से कनेक्टेड है थ्री। मान लेते हैं मेरे पास यही ग्राफ है, तो इसका अगर हम एडजेसेंसी लिस्ट बनाएं, सो एडजेसेंसी लिस्ट विल बी जीरो से कनेक्शन है वन, वन से कनेक्शन है टू, टू से कोई कनेक्शन नहीं है, फिर थ्री, जीरो से कनेक्शन है वन का और थ्री का भी कनेक्शन है, और थ्री से कनेक्शन है फोर का और फोर से कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमने अपना डीएफएस आइटरेटिव वाला स्टार्ट किया, जो कि जीरो नंबर वर्टेक्स के साथ मेरा डीएफएस स्टार्ट करेगा। मेरे पास एक स्टेटस होना चाहिए जो कि बताएगा कि कोई वर्टेक्स विजिटेड है या नहीं है, और मेरे पास एक इन रिकर्शन होना चाहिए जो बताएगा कि क्या मैं रिकर्शन की सेम चेन में हूं कि नहीं हूं। तो जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स, फोर इंडेक्स, जीरो वन टू थ्री एंड फोर इंडेक्स। तो हमने अपना डीएफएस आइटरेशन से जीरो नंबर वर्टेक्स के साथ डीएफएस स्टार्ट किया, और जीरो नंबर वर्टेक्स ने स्टेटस को वन मार्क कर दिया और इन रिकर्शन को भी वन मार्क कर दिया। जीरो से पहला कनेक्शन है वन का, वन का स्टेटस अनमार्क्ड है, इसको मार्क कर दीजिए, और इन रिकर्शन में भी यहाँ पे वन कर दीजिए। वन से कनेक्शन है टू का, स्टेटस में वन कर दीजिए, टू अभी अनमार्क्ड है, और इन रिकर्शन में भी टू पे वन कर दीजिए। टू से कोई कनेक्शन नहीं है, तो टू से अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो इसका मतलब हम बैक ट्रैक करेंगे और कॉलिंग फंक्शन को फॉल्स रिटर्न करेंगे कि मुझे साइकिल नहीं मिली। तो मैं कॉलिंग फंक्शन, मतलब वन वाले ने टू को कॉल किया था, इसको मैं फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ कि मुझे साइकिल नहीं मिली, और साथ ही साथ स्टेटस ऑफ सॉरी इन रिकर्शन ऑफ टू में जीरो हम कर देंगे। तो वाइल रिटर्निंग बैक, जिस भी वर्टेक्स से हम वापस जा रहे हैं, बैक ट्रैक कर रहे हैं और साइकिल नहीं मिली है, तो हम इन रिकर्शन में यहाँ पे जीरो कर देंगे। फिर इसके बाद जो वन नंबर वर्टेक्स है उसके सारे कनेक्शन हम देख चुके हैं, वापस जाएंगे जिसने इसको कॉल किया था, तो जीरो के पास वापस जा रहे हैं, लेकिन जीरो पे वापस जाने से पहले इन रिकर्शन में वन इंडेक्स पे जीरो कर देंगे और फॉल्स रिटर्न करेंगे कॉलिंग फंक्शन को कि इसे साइकिल नहीं मिली। जीरो से हमने एक कनेक्शन केवल देखा है वन का, अभी थ्री का कनेक्शन नहीं देखा, तो थ्री का कनेक्शन देख लेते हैं। थ्री अभी विजिटेड नहीं है, इसको विजिट करते हैं और थ्री से कनेक्शन के साथ आगे जाते हैं, तो इन रिकर्शन में थ्री पोजिशन में वन कर देते हैं। थ्री से कनेक्शन है फोर का, फोर अभी विजिटेड नहीं है, इसको विजिटेड मार्क करते हैं और इन रिकर्शन में फोर पोजीशन में कर देते हैं वन। फोर से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब बैक ट्रैक करेंगे, तो फोर से बैक ट्रैक करेंगे कॉलिंग फंक्शन को। कॉलिंग फंक्शन में वापस जाने से पहले इन रिकर्शन में फोर इंडेक्स पे जीरो कर देंगे और फॉल्स रिटर्न करेंगे कॉलिंग फंक्शन को इस इंडिकेशन के साथ कि इसको साइकिल नहीं मिली। थ्री नंबर से केवल एक कनेक्शन है फोर का, और अब बैक ट्रैकिंग की बारी है। बैक ट्रैकिंग के दौरान थ्री इंडेक्स पे हम जीरो कर देंगे और थ्री से बैक ट्रैक कर रहे हैं वन के पास, क्योंकि थ्री को वन ने कॉल किया था, और फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं कि इसको साइकिल नहीं मिली। जीरो से दो कनेक्शन थे, वन और थ्री, हम दोनों को एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो जीरो इंडेक्स पे जीरो करके, मतलब इन रिकर्शन में हम कॉलिंग फंक्शन को फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं कि इसको साइकिल नहीं मिली। तो कॉलिंग फंक्शन डीएफएस को फॉल्स रिटर्न हो रहा है कि इसको साइकिल नहीं मिली। तो यहां से हमने ये देखा कि जब हम बैक ट्रैकिंग करते हैं तो इन रिकर्शन में उस इंडेक्स पे या जिस इंडेक्स से हम कनेक्शंस देख रहे थे उससे वापस आते समय इन रिकर्शन में उसको जीरो करेंगे। तो अगर इन रिकर्शन में सभी पोजिशन में जीरो है तो भी हम ये इंडिकेट करता है कि हमें कोई साइकिल नहीं मिली। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जितने भी पॉसिबल एग्जाम्पल्स हैं हम सभी को लेके इसको केस इनके केसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं साइकिल डिटेक्शन की। फाइनली हम इसकी एल्गोरिथम लिखेंगे एंड कोड करेंगे। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से हमने कहा कि जीरो से कनेक्शन है वन का और वन से कनेक्शन है टू का, देन लेट से थ्री है और थ्री से कनेक्शन है फोर का, एंड लेट से फाइव है और फाइव का कनेक्शन सेल्फ लूप नहीं बनाते हैं इसको, लेट्स से वी आर नॉट डूइंग दिस। लेट्स से फाइव से कनेक्शन सिक्स का है और सिक्स से कनेक्शन सेवन का है और सेवन से कनेक्शन फाइव का है। तो इसका सबसे पहले एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं। जीरो से कनेक्शन वन, वन से कनेक्शन टू, टू से कोई कनेक्शन नहीं, थ्री से कनेक्शन फोर, फोर से कोई कनेक्शन नहीं,
फाइव से कनेक्शन सिक्स, सिक्स से कनेक्शन सेवन, और सेवन से कनेक्शन फोर, सेवन से कनेक्शन फाइव फाइव। तो ये मेरे पास केस है। और आपको पता है कि जो डीएफएस आइटरेटिव फंक्शन है, छोटा सा हम एल्गोरिथम भी लिख देते हैं। आई होप आपने मेरी डीएफएस की एल्गोरिथम देख ली है पहले यहाँ पे आने से पहले। सो डीएफएस हम लिखने जा रहे हैं, और डीएफएस में हमने एक स्टेटस वेक्टर ले लिया है, और इस स्टेटस वेक्टर का साइज एन रखा है। इसमें सभी एलिमेंट्स को मैंने जीरो से इनिशलाइज कर दिया है। फिर मैंने यहाँ पे ये कहा है कि फॉर आई इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन, मान लेते हैं कि एन वर्टिसेस है मेरे पास, और मुझे क्या करना है, ये चेक करना है कि अगर किसी वर्टेक्स का स्टेटस जीरो है तो हम इसके साथ डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर देते हैं, वर्टेक्स नंबर आई के साथ डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। ये मेरा डीएफएस आइटरेटिव फंक्शन है। इसके पैरामीटर्स क्या होंगे बाद में डिसाइड कर लेंगे। फिलहाल डीएफएस आइटरेटिव फंक्शन यही है, जीरो नंबर वर्टेक्स के साथ हमने स्टार्ट कर दिया है अपना ट्रैवर्सल। तो दो वेक्टर्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं, पहला एक स्टेटस जिसमें जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, जिसमें सभी पोजीशन में जीरो है, ब्लैंक का मतलब मान लीजिएगा कि जीरो है, अनमार्क मतलब अनविजिटेड। एक हमें इन रिकर्शन चाहिए, और ये जो इन रिकर्शन नाम का एरे है उसमें भी उतने ही इंडेक्सेस होंगे जितने की ओरिजिनल वेक्टर में है, और मान लीजिए कि इनमें भी सभी पोजीशन में जीरो है। तो हमने अपना टूर स्टार्ट किया है जीरो के साथ डीएफएस आइडेंटिटी फंक्शन से। स्टेटस ऑफ जीरो को वन मार्क करते हैं, इन रिकर्शन को वन, वन जीरो से कनेक्शन है वन का, वन अभी अनविजिटेड है तो वन को विजिटेड मार्क करते हैं, मतलब कि वन की पोजिशन में वन, इन रिकर्शन में भी वन, वन से कनेक्शन है टू का, टू अनविजिटेड है इसको विजिटेड मार्क करते हैं, इन रिकर्शन में यहाँ पे वन कर देते हैं। टू से कोई कनेक्शन नहीं है, हम बैक ट्रैक करेंगे और बैक ट्रैकिंग के दौरान फॉल्स रिटर्न करेंगे कॉलिंग फंक्शन को, क्योंकि ये इंडिकेट करते हुए कि इसको साइकिल नहीं मिली। तो वापस जाते समय टू इंडेक्स पे जीरो सेट करेंगे, बैक ट्रैकिंग करेंगे, वन पे जा रहे हैं और फॉल्स रिटर्न कर दिया वन को कि इसको साइकिल नहीं मिली। वन से केवल एक कनेक्शन है टू का जो एक्सप्लोर हो चुका है, तो वन से वापस जाना है। वापस जाते समय या बैक ट्रैकिंग करते समय इन रिकर्शन में वन इंडेक्स पे हम जीरो सेट कर देंगे और वापस जाएंगे जीरो इंडेक्स पे, क्योंकि तो जीरो इंडेक्स ने इसको कॉल किया था, ये कॉलिंग फंक्शन जीरो वाला था। नाउ जीरो वाले ने केवल एक कनेक्शन था वन, वो भी विजिटेड है, हो गया है, अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो इन रिकर्शन में जीरो इंडेक्स पे हम जीरो सेट कर देते हैं और कॉलिंग फंक्शन पे वापस चले जाते हैं। कॉलिंग फंक्शन हमारा डीएफएस आइटरेटिव वाला है। तो डीएफएस आइटरेटिव फंक्शन में आपने वापस आए, और वापस आने के बाद ये लूप में जीरो इंडेक्स तो ऑलरेडी चेक हो चुका था, और वन इंडेक्स पे हम चेक करते हैं, वन ऑलरेडी विजिटेड है, टू इंडेक्स भी ऑलरेडी विजिटेड है, थ्री इंडेक्स विजिटेड नहीं है तो स्टेटस ऑफ थ्री जीरो है। इसीलिए सॉरी एक सेकेंड, एक छोटी सी गलती यहाँ पे, स्टेटस ऑफ आई अगर जीरो है तो हमें कॉल करना है डीएफएस आइटरेटिव। सो जो इंडेक्स नंबर थ्री है उसके साथ अब हमने डीएफएस स्टार्ट किया, स्टेटस वन मार्क किया, इन रिकर्शन में थ्री इंडेक्स पे वन, थ्री से कनेक्शन है फोर का, फोर अभी अनविजिटेड है, फोर को विजिटेड मार्क करते हैं, और फोर इंडेक्स पे वन इन रिकर्शन में, फोर से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है तो हमें बैक ट्रैक करना है। बैक ट्रैक करते समय फोर इंडेक्स पे जीरो सेट कर देंगे इन रिकर्शन में, फोर वापस आ रहा है थ्री पे और फॉल्स रिटर्न कर रहा है कि इसको साइकिल नहीं मिली। थ्री से केवल एक कनेक्शन था फोर को, जिसको हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो अब थ्री से वापस आने की बारी है। तो इन रिकर्शन में थ्री इंडेक्स पे हम जीरो सेट कर देंगे, और थ्री इंडेक्स से वापस आते समय हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं कॉलिंग फंक्शन को, मतलब कि डीएफएस आइटरेटिव को। डीएफएस आइटरेटिव में थ्री इंडेक्स तक चेक हो चुका है, लूप में फोर चेक करते हैं जो कि विजिटेड है, फाइव चेक करते हैं जो कि विजिटेड नहीं है, तो फाइव के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं डीएफएस रिकर्सिव, जिसमें हमने स्टेटस को वन सेट कर दिया और फाइव इंडेक्स को वन सेट कर दिया इन रिकर्शन में। फाइव से कनेक्शन है सिक्स का, सिक्स इंडेक्स अभी अनमार्क्ड है, विजिट करते हैं इसको, इन रिकर्शन में वन कर देते हैं। सिक्स से कनेक्शन है सेवन का जो अनविजिटेड है, तो इसको विजिटेड मार्क करते हैं और सेवन इंडेक्स पे वन कर देते हैं इन रिकर्शन में। सेवन से कनेक्शन है फाइव का, लेकिन फाइव पहले से विजिटेड है। तो हम सेम चेन में वापस आ रहे हैं ऐसा लगता है, क्योंकि फाइव इंडेक्स में इन रिकर्शन में भी वन है,
स्टेटस भी इसका वन है और इन रिकर्शन में भी यहाँ पे वन है, तो इसका मतलब कि मुझे साइकिल मिली, तो मैं कॉलिंग फंक्शन को ट्रू रिटर्न करूंगा कि इसको साइकिल मिली। तो मैंने 7 से ट्रू रिटर्न किया है कॉलिंग फंक्शन 6 को कि इसको मिल गया है साइकिल। 6 कॉलिंग फंक्शन 5 को रिटर्न करेगा ट्रू कि इसको साइकिल मिल गया है, और 5 जो है अपने कॉलिंग फंक्शन मतलब DFS iterative को रिटर्न करेगा ट्रू, इसका मतलब है कि इसको साइकिल मिल गई। तो इस तरह से हमने देखा कि बैक ट्रैकिंग के दौरान ही हमारा साइकिल रिटर्न होता है। तो आइए सबसे पहले इस एल्गोरिथम को कंप्लीट करते हैं एंड देन उसके बाद हम इसको कोड करेंगे। तो मेरे पास एक DFS रिकर्सिव फंक्शन है और DFS रिकर्सिव फंक्शन में एक आई वर्टेक्स मुझे पास किया गया है। सबसे पहले मैं इस आई वर्टेक्स को विजिटेड मार्क कर देता हूँ। इसी के साथ साथ उसमें एक इन रिकर्शन भी पास होगा, तो आईएथ इंडेक्स पे इन रिकर्शन में मैं वन कर देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि मुझे इन रिकर्शन भी एज ए पैरामीटर पास किया गया है। साथ ही साथ जो भी आई से कनेक्शन होंगे हम उनको ये वन बाय वन देखेंगे। सो फॉर ईच लेट से जे दैट इज एडजेसेंट टू आई, जो भी एडजेसेंट होगा आई के हम उसको देखेंगे और ये चेक करेंगे कि अगर जे वर्टेक्स पहले से विजिटेड नहीं है, मतलब कि अगर स्टेटस ऑफ जे इज जीरो, तो इसका मतलब है कि इसको मुझे विजिट करना है। विजिट करने के लिए मुझे DFS रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करना है और DFS रिकर्सिव फंक्शन में जे पास करना है और जे के साथ मुझे अपना ट्रेवल स्टार्ट करना है। तो जे मुझे पास करना है और इन रिकर्शन भी पास करना है और एक पैरामीटर तो निश्चित रूप से होगा जो कि है एडजेसेंसी लिस्ट। तो एडजेसेंसी लिस्ट को भी हम यहाँ पे पास कर देते हैं। ओके, मान लीजिए कि मेरा जो फंक्शन है उस फंक्शन में मैंने जब स्टेटस चेक किया तो मुझे जीरो नहीं बल्कि वन मिला। तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि इसमें साइकिल हो। तो कब साइकिल होगी, मुझे ये चेक करना पड़ेगा अगर स्टेटस तो वन है जे नंबर वर्टेक्स का और इन रिकर्शन में भी वन है। सो अगर इन रिकर्शन में इंडेक्स नंबर जे पे वन है तो ये इंडिकेट करता है कि मुझे साइकिल मिल गई है। तो साइकिल जब मिलेगी तो मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न करूंगा ट्रू। रिटर्न ट्रू करने का ये मीनिंग है कि इसको साइकिल मिल जाएगी। तो जब स्टेटस जीरो ना होके वन है तो और इन रिकर्शन में भी वन है, इसका मतलब निश्चित रूप से हमारे पास साइकिल है। तो ये जो लूप है जब फिनिश होगा तो इसका मतलब है कि आपने सारी पॉसिबिलिटीज को एग्जॉस्ट कर लिया है, सारे कनेक्शन को देख लिया है और कहीं पे भी ऐसा हमें नहीं लगा कि साइकिल है। तो अब बैक ट्रैक करेंगे, तो बैक ट्रैक करते समय इन रिकर्शन में आईएथ इंडेक्स में सेट कर देंगे जीरो और यहां से फॉल्स रिटर्न कर देंगे और फॉल्स हमारा इस चीज का इंडिकेटर है कि मुझे साइकिल नहीं मिली। तो जब आप सारी पॉसिबिलिटी को एग्जॉस्ट कर लेंगे तभी इन रिकर्शन में जीरो सेट करेंगे और रिटर्न करेंगे फॉल्स। और मान लीजिए कि अगर साइकिल मिलेगी तो इसी फॉर लूप के अंदर ही ट्रू रिटर्न हो जाएगा और इससे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे साइकिल है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, आइए इसको कोड करके देखते हैं। सो एक ये छोटा सा पार्ट है कोड का और इस पार्ट ऑफ कोड में ये ऑलरेडी मेंशन है कि किस तरह से ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट की जाएगी। इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सबसे पहले मैं यूजर से नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस की एंट्री करा लूंगा और इसके बाद फिर मैं एक ग्राफ बनाऊंगा। जिस ग्राफ पे हम लोग साइकिल डिडक्शन कर रहे हैं वो मेरा डायरेक्टेड ग्राफ है, तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम डायरेक्टेड ग्राफ के साथ ही वर्क कर रहे हैं इस एल्गोरिथम में। तो इसलिए अगर ए बी एज है तो ए के एडजेसेंसी लिस्ट में बी की एंट्री होगी लेकिन बी के एडजेसेंसी लिस्ट में ए की एंट्री नहीं होगी। अगर ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होता तो हम वाई सी वर्सा करते लेकिन ये डायरेक्टेड ग्राफ है इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ग्राफ की एंट्री हो गई है, एडजेसेंसी लिस्ट हमने क्रिएट कर ली है, एडजेसेंसी लिस्ट को हमने प्रिंट करके भी देख लिया है। अब हमें क्या करना है कि ट्रेवर्स करके और ये देखना है कि क्या हमें साइकिल मिल रही है या नहीं। ओके, सो सबसे पहले हम आइटरेटिव कोड लिखना चाहते हैं। आइटरेटिव कोड में हमें एक स्टेटस चाहिए। सो हमने एक वेक्टर डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, उसका नाम है स्टेटस जिसकी साइज होगी वी नंबर ऑफ वर्टिसेस के इक्वल और हम जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं हर एंट्री को। फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर इंटीजर
आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड आई प्लस प्लस। हर एक वर्टेक्स का स्टेटस चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे वर्टेक्स का स्टेटस जीरो है तो इसका मतलब कि अनविजिटेड है, तो हमें डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर लेना चाहिए। आई वर्टेक्स के साथ क्या क्या पास करेंगे, इसमें एडजेसेंसी लिस्ट को पास कर देते हैं और एक इन रिकर्शन को भी इसमें पास करेंगे। इन रिकर्शन क्या है, इन रिकर्शन भी एक तरह का वेक्टर है। उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे, एक सिंगल डायमेंशन वेक्टर सिंपली है, तो उसमें भी उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने हमारे वर्टिसेस में, जितने हमारे ग्राफ में वर्टिसेस हैं। आइए डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं। सो लेट्स से राइटिंग पर डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन, और डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन में हमें एक वर्टेक्स पास हुआ है आई, एडजेसेंसी लिस्ट पास हुआ है जो कि एरे ऑफ फैक्टर्स है, और इसी के साथ साथ वेक्टर ऑफ इंटीजर पास हुआ है जिसका नाम है स्टेटस, सॉरी इन रिकर्शन। निश्चित रूप से इसमें स्टेटस भी पास होगा क्योंकि स्टेटस चेंज हो रहा है, तो एक वेक्टर और ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंटीजर स्टेटस, और स्टेटस वेक्टर चेंज होता रहेगा इसलिए हम यहाँ पे एम्परसेंड पास कर देते हैं। जो भी हमने डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया है तो उसमें एक पैरामीटर एडिशनल होगा जो कि है स्टेटस वेक्टर, और ये चेंज होता है। तो डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं, और डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन में सबसे पहले मैंने स्टेटस ऑफ आई वेक्टर को 1 मार्क कर लिया, इसी तरह से इन रिकर्शन ऑफ आई को भी हम 1 मार्क कर लेंगे। फिर इसके कनेक्शंस को देखते हैं। सो फॉर इंटीजर लेट्स से जे इज इक्वल्स टू 0, जे ए डी जे लिस्ट आई डॉट साइज और जे प्लस प्लस, जितने भी कनेक्शंस उसको एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स से इसका जो कनेक्शन है उसको हम वाई मान लेते हैं। सो वाई इज इक्वल्स टू ए डी जे लिस्ट आई जे, और चेक कर लेते हैं कि अगर वाई का स्टेटस जीरो है तो इसके साथ हम कॉल कर देते हैं डीएफएस रिकर्सिव। तो डीएफएस रिकर्सिव हम कॉल कर देते हैं, क्या क्या पास करेंगे, वाई पास करेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट पास करेंगे, हम इन रिकर्शन पास करेंगे, और साथ ही साथ स्टेटस को भी पास करेंगे। दीज आर द थिंग्स दैट विल पास इन दिस फंक्शन। ये फंक्शन अपनी तरह से वर्क करेगा। अभी चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या एडिशन है, लेकिन मान लीजिए कि स्टेटस ऑफ वाई पे जीरो ना होके वन, तो जीरो ना होके वन है तो इसका मतलब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि अगर इन रिकर्शन में इंडेक्स वाई पे वन है तो इसका मतलब है कि हमें साइकिल मिल गई है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ओके, और यहाँ पे जो हम डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन लिख रहे हैं यहाँ पे भी हम लिख देते हैं रिटर्न। तो जो इसका प्रीवियस फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा, हम उसके प्रीवियस फंक्शन सॉरी इसका जो सब्सिक्वेंट फंक्शन हमें रिटर्न करेगा, हम प्रीवियस फंक्शन में वही रिटर्न करते चलेंगे, इसलिए हमें रिटर्न किया। मान लीजिए आपने सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर लिया है, एग्जॉस्ट कर लिया है, तो हम क्या करेंगे कि इन रिकर्शन में इंडेक्स नंबर आई पे जीरो सेट कर देंगे और रिटर्न कर देंगे फॉल्स कॉलिंग फंक्शन को, ये इंडिकेट करते हुए कि साइकिल नहीं मिली। जो डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन है उसमें हम ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए मान लेते हैं कि इसका जो रिटर्न टाइप है वो बूल है। और यहाँ पे डीएफएस आइटरेटिव फंक्शन में भी हमने जब भी डीएफएस को कॉल किया है तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट करा लेते हैं लेट से सम टी वेरिएबल में, जो कि टी हमारा बूल टाइप का होगा, कि क्या यहाँ से रिटर्न हुआ। तो लेट्स से बूल टी, क्योंकि ट्रू या फॉल्स हो सकता है, अगर मुझे टी की वैल्यू रिकर्सिव कॉल से ट्रू मिली है तो इसका मतलब है मुझे साइकिल मिल गई। अगर ये ट्रू है तो हम क्या कहेंगे, लेट्स से सी आउट साइकिल डिटेक्टेड, और इसके बाद हमें ब्रेक कर देना चाहिए
इस फंक्शन को, क्योंकि हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे साइकिल मिल चुकी है। फाइन, तो ब्रेक कर दिया, लूप से बाहर है। लेकिन अगर साइकिल नहीं मिली है तो हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। और अगर सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करके या सभी वर्टिसेस के स्टेटस को हम चेक करके आ रहे हैं तो टी की वैल्यू ट्रू ना होके बल्कि हमें फॉल्स भी मिल सकती है। तो अगर फॉल्स मिला है तो हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमें ट्रू ना मिल जाए, अदरवाइज हमें जो मिलेगा वो फॉल्स ही मिलेगा। लूप के बाहर हम चेक कर लेते हैं कि अगर टी की वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं सी आउट उप्स नो साइकिल एक्टिव। तो आई होप दिस शुड वर्क फाइन, लेट मी रन इट। तो राइट हैंड साइड के गिवन ग्राफ के हिसाब से हम एंट्री कर लेते हैं। मुझे दिख रहा है कि इस ग्राफ में 8 वर्टिसेस हैं और नंबर ऑफ एजेस आर 6। जो पहली एज है वो 0 1 एज है, दूसरी एज 1 2 एज है, तीसरी एज 3 4 एज है, नेक्स्ट एज 5 6 है, नेक्स्ट एज 6 7 है, नेक्स्ट एज हमारी 7 और 5 है। तो आप देख सकते हैं कि मुझे साइकिल मिल गई है। इसी तरह से हम एक ऐसा ग्राफ भी ले लेते हैं जिसमें साइकिल नहीं है। तो राइट हैंड साइड के ग्राफ के हिसाब से हम लोग एंट्री एक बार फिर से कर लेते हैं। सो इसमें जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो 6 हैं, नंबर ऑफ एजेस इसमें 1 2 3 4 5 हैं। पहली एज है 0 से 1, नेक्स्ट एज है 1 से 2, नेक्स्ट एज है हमारी 1 से 3, नेक्स्ट एज है हमारी 3 से 4, नेक्स्ट एज है हमारी 3 से 5। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में कोई भी साइकिल नहीं है। तो इसका मतलब है कि वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस कॉन्सेप्ट वेरी इफेक्टिवली एंड यू कैन टेक एनी ऑफ द इनपुट ऑफ द डायरेक्टेड ग्राफ एंड यू कैन चेक इफ देयर इज एनी साइकिल इन दैट ग्राफ और नॉट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल यूटिलाइज द सेम कॉन्सेप्ट फॉर द काउंटर डिकोडिंग प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर।